केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफे देने की बात की गई है कि अब जो लोग यानी एनपीएस के थ्रू जिसको पेंशन मिलती थी अब उसको यूपीएस के थ्रू पेंशन दिया जाएगा और इसमें सीधे सीधे 23 से 24 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। लेकिन अब इसको लेकर के भी विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। कई दल जो एनडीए का हिस्सा है वो लोग अब राज्य सरकार में इसको लागू करने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी ने तो अपना पक्ष रखा ही, साफ साफ बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हित में ये फैसला लिया गया है। जो भी है नरेंद्र मोदी की सरकार जनता की बात करती है और जिस तरीके से कर्मचारियों के लिए ये बड़ा तोहफे की बात कही गई है, वहीं आरजेडी ने इसको लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग के तो खुद एजेंडा में था ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, हम लोग के एजेंडा में था लेकिन उसी के बदले यूपीएस ये लोग लाए हैं। कहीं ना कहीं जनता के केंद्रीय कर्मचारियों के साथ एक खेल किया गया है और इसको लेकर के आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। केंद्र सरकार के तरफ से नई पेंशन योजना लाई गई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसको देखना होगा कि केंद्र सरकार 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। कर्मचारी लगातार डिमांड कर रहे थे कि ओपीएस लागू किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार आंखों पर पट्टी बांधे हुए थी और कान में ठेपी डाले हुई थी, कर्मचारियों के बात नहीं सुन रही थी। जब 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये शामिल किया कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसी दिन से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा, और लगातार जब बजट सत्र चल रहा था तो विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल लगातार दबाव बनाए हुआ था केंद्र सरकार पर कि इस स्कीम को कर्मचारियों के हित में, जो कर्मचारी के परिवार हैं उसके हित में लागू किया जाए। लेकिन 10 सालों तक सोई हुई सरकार चिर निद्रा में थी, जगी तब जब विपक्षी दलों ने कहीं ना कहीं दबाव बनाया। विपक्षी दलों के दबाव के कारण फिर भी इन्होंने बेईमानी किया है, ओपीएस लागू करने में इनको डर लगता है, तो इसीलिए नया नामकरण करके यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आए हैं। और कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों को खुश करने का ये पिछले दरवाजे का इनका चाल है, लेकिन विपक्षी दल अभी भी दबाव बनाए हुए है कि ओपीएस लागू हो और इसके लिए आने वाले संसद के सत्र में हम ओपीएस के लिए कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के परिवार के हित में और व्यापक हित में हम ओपीएस लागू करवाने की मांग करेंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे। जिस तरह से इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल जनता और जनता के हितों में, कर्मचारियों के हितों में सदन से लेकर सड़क तक काम कर रही है, सरकार को हर मुद्दे पर हम मजबूर करेंगे। और बिहार में कौन रोक रहा है उनको? डबल इंजन सरकार है, कौन रोक रहा है? लागू करें, नहीं लागू करेंगे, क्योंकि इन लोग खेल खेलते हैं और जुमलाबाजी करते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं और धर्म को आगे रख करके कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन ये अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है, समय अब आ चुका है, आम जन और आम जन के हित में सरकार कार्य करने के लिए मजबूर होगी। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी ने इस पर सवाल खड़े कर दिया है। उन्होंने साफ साफ वही राज्य सरकार में लागू करने को लेकर के उन्होंने कह दिया कि ये लोग लागू नहीं करेंगे। हालांकि अभी जदयू का क्या स्टैंड होता है इसको भी देखना होगा। वहीं बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई वो भी सुनाते हैं आपको। पीएम मोदी देशवासियों के सच्चे अभिभावक है, वे हर वर्ग और हर तबके का ख्याल रखते हैं, चाहे किसान हो या नौकरी पेशा, सभी की उम्मीद को पीएम मोदी पूरा करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की स्वीकृति प्रदान की है। यह ऐतिहासिक कदम है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसकी स्वीकृति से केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 50% मिलने तथा पेंशन भोगियों की मौत के पश्चात मृत्यु के समय पेंशन भोगी को मिलने वाले पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र की एनडीए सरकार के इस फैसले का आम आवाम में एक तरफ खुशी की लहर है, वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं का मुंह लटक गया है। इसके बीच गहरी हताशा है, क्योंकि मोदी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि सिर्फ एनडीए सरकार ही जनहित में तगड़ा फैसला ले सकती है।
तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी ने जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा, वही बीजेपी इसको केंद्रीय के कर्मचारियों के हित की बात करती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आरजेडी ने यानी राज्य सरकार नीतीश सरकार पर निशाना साधा है कि ये लोग खेल करने वाले लोग हैं, हम लोग की लंबे समय से मांग रही ओपीएस की, लेकिन ये लोग यूपीएस लाए हैं लेकिन ये लोग राज्य में लागू नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि इसको लेकर के जदयू की तरफ से क्या स्टैंड क्लियर किया जाता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।